हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स नए मेडिकल कॉलेज बनने की वजह से जो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इंक्रीज हुई है उसमें से कहां पर कितना ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के राउंड 3 में कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर आपकी कट ऑफ इसके आसपास है या फिर यही है तो आप ये समझ कर चलो कि 2024 के राउंड 3 में आपको एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल को पे नए हो तो आप पहले पुराने वीडियोस देखना कि जो हमने कट ऑफ बताई है वो एग्जैक्ट वही रही है जो कि हमने आपको बताई है, क्योंकि डेटा के बेसिस पर हम काम करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें गलत हों जो हम बता रहे हैं। तो इस वीडियो में भी अपन डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हो कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं, और एक बात आप ये जरूर ध्यान रखना, लास्ट में मैं इसको यूज करूँगा, कि ये मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं राउंड 3 के अंदर। तो एक बात ध्यान रखना वो ये है कि जितने भी टॉप स्कोरर और टॉप रैंकर्स हैं वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं या तो अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस में या तो ऑल इंडिया कोटे के टॉप कॉलेजेस के अंदर। इस बात से अगर एग्री करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। बाकी इस मुद्दे को अपन आगे लेकर चलेंगे कि कहां तक पॉसिबिलिटीज हो सकती है रैंक में और स्कोर के अंदर। फिलहाल स्टार्ट करेंगे हमारी पेड काउंसलिंग के लिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पर कंटिन्यूअसली आपको दिखते रहेंगे जगह जगह पे। तो आपको अगर जरूरत पड़े, यानी कि आपको फील हो कि हमें काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल डिस्कस करते हैं जिस मुद्दे पे अपन बात करने वाले हैं उसके ऊपर। बात करेंगे एमबीबीएस सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है उसके बारे में। हालांकि ऑलरेडी मैंने ये वाला वीडियो बना दिया है आपके लिए, तो इसमें आप डिटेल से जाकर चेक कर सकते हो कि कौन सा मेडिकल कॉलेज, नाम क्या है, हॉस्पिटल कौन सा उसमें एडेड है या फिर एफिलिएटेड है, उसके बारे में आप चेक कर लेना। बाकी थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। टोटल मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 10 इंक्रीज हुए हैं वो राउंड 3 के अंदर। थोड़ी देर पहले जो मैंने बात बताई थी उसको ध्यान जरूर रखना कि राउंड 3 में ऐड हुई है, तो राउंड फर्स्ट और 2 के अंदर जितने भी टॉप स्कोरर हैं वो एडजस्ट कहीं ना कहीं पे हो चुके हैं। महाराष्ट्र स्टेट अकेले में 8 नए मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुए हैं, एक यूपी के अंदर आया है और उसी तरीके से एक उत्तराखंड के अंदर। सभी में 100 सीटें हैं, तो मैंने 100 से एक ही को मल्टीप्लाई किया है, बाकी को भी आप समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई करो। यानी कि टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो 1000 एमबीबीएस सीट इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो 10 कॉलेजेस में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सीटें हो जाती हैं। और इन 1000 सीटों का भी 15% ऑल इंडिया कोटे में आता है, क्योंकि अपन ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं तो उसी पे अपन रहते हैं। तो ऑल इंडिया कोटे में राउंड 3 में बात करें तो 150 सीट तो ऑलरेडी ऐसे ही आ चुकी हैं, जिसके ऊपर ना तो किसी का अपग्रेडेशन है, ना ही किसी ने ले रखी है, या फिर ना ही यहाँ पर किसी तरीके की वर्चुअल वैकेंसी है। तो क्लियर वैकेंसी 150 तो ऑलरेडी है ही, जो कि फ्रेश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन सीटों पे फायदा होगा। और एक बात जो मैं हर बार बोलता हूँ कि हर 100 सीट इंक्रीज होने पर 400 से 500 रैंक का फायदा होता है, तो इस वीडियो में मैं 500 रैंक का डिफरेंस लेकर चलूंगा, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। बाकी बातें मूव करते हैं आगे, बाकी ये वाला वीडियो आप देख लेना, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले थंबनेल आपको दिखाया उस पे आपको डिटेल से वीडियो में समझ में आ जाएगा कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे ओपन हुए हैं। थोड़ा सा आइडिया ब्रीफ में मैंने इसको दे दिया है। यहाँ तक पसंद आया है तो लाइक कर देना। अब बातें हैं मुद्दे पे कि कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में। अब 2024 की राउंड 3 में कट ऑफ क्या रहेगी, उससे पहले अपन को डाटा ये पता होना चाहिए कि 2023 में क्या सिनेरियो था राउंड 2 और राउंड 2 के बीच में, कितना डिफरेंस था, क्या चीजें थी। तो यहाँ पर आप चेक करो ओपन कैटेगरी में राउंड फर्स्ट में जो था डिफरेंस था वो इस तरीके से। राउंड फर्स्ट मैंने गलती से नोट कर दिया था, तो अब मैंने राउंड 2 और थर्ड कर दिए हैं, क्योंकि राउंड थर्ड की अपन को बात करनी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो डिफरेंस भी उन्हीं के बीच में होना चाहिए जिसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो राउंड 2 की मैंने स्कोर नोट नहीं किया है, क्योंकि स्कोर मैटर नहीं करता कि आप सब लोग जानते हो। तो रैंक की बात करेंगे तो 22104 राउंड फर्स्ट की सेकंड की थी सॉरी। तो राउंड 3 में 22663। अब इनको बताने का क्या मतलब है कि जो डिफरेंस था वो 559 रैंक का डिफरेंस था राउंड 2 के और 3 के बीच में 2023 में। 2024 में क्या आएगा वो भी मैं समझाऊंगा, एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं उससे भी फर्क आएगा। ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो 22456 और यहां पर 22659 मैंने लिख दिया है, यानी कि नोट किया हुआ है, बट लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है। यहां पर 22784 है एग्जैक्ट नंबर, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नोट कर दूंगा तो आप उसको चेक कर लेना। लेकिन इसका डिफरेंस देखें तो 328 मार्क्स का है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ओबीसी कैटेगरी में नहीं आया है। बात करेंगे डब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 24403 ऑल इंडिया रैंक राउंड 2 की थी, बट 24659 राउंड 3 की थी, तो डिफरेंस यहां पर 229 रैंक का ही था। तो यानी कि जितना डिफरेंस राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के बीच में होता है उतना डिफरेंस राउंड 2 और 3 के बीच में नहीं होता, लेकिन इस साल होगा। क्यों होगा वो बताता हूं मैं आगे। राउंड 2 की बात करें 80 कैटेगरी में 116887 जो कि राउंड 2 की थी, राउंड 3 की 123235
15 यानी कि 6328 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस था। बात करेंगे एसटी कैटेगरी में तो 145,254 राउंड टू की थी, 159,636 ऑल इंडिया रैंक राउंड थ्री के अंदर रही थी कट ऑफ। और डिफरेंस की बात करें तो 14,382 रैंक का डिफरेंस था राउंड टू और थ्री के बीच में 2023 की बात करें तो। अब अगर अपन ये मान के चलते हैं कि इतना डिफरेंस अगर होता है लास्ट ईयर था तो इस साल तो होना ही है, हालांकि इस साल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अपन एक एग्जैक्ट कट ऑफ तक पहुंचने के लिए अपन को इतना आइडिया तो होना चाहिए कि इतनी कट ऑफ तक डिफरेंस तो हो सकता है इस साल भी। कितना ज़्यादा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल यहां तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब बात कर लेते हैं 2024 में राउंड टू की कितनी कट ऑफ थी, वो आपको याद ही होगी, बट क्योंकि मेरा काम है आपको बताना सारी चीजें एग्जैक्ट एक वीडियो में, तो फिर मैं आपको 2024 की राउंड टू की कट ऑफ दिखाता हूं, उसके बाद अपन मूव करते हैं 2024 राउंड थ्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहां पर आप चेक करो 2024 राउंड टू की कट ऑफ इस तरीके से थी कुछ, तो रैंक आप जरूर ध्यान रखना। और ये जो डिफरेंस मैंने बताया हुआ था ये आपको पता है, जब 2024 राउंड टू का रिजल्ट आया था तो मैंने इस तरीके से आपको समझाया था, लेकिन अभी इसमें क्या चेंजेस होगा तो ये रैंक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपके पास होगी ऑलरेडी, बट क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको तो यहां पर ये रैंक मैं नोट नहीं करने वाला, यहां पर मैं यूज करूंगा राउंड टू, तो उसको आप ध्यान रखना। राउंड टू के जब कट ऑफ बताऊंगा तो राउंड टू यूज करूंगा, उसके अंदर आपको डाटा ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार एक चीज नोट करने से फायदा नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने आपको यहां पे दिखा दी है, आपके पास ऑलरेडी होगी तो आप अपने साइड में इसको नोट करके रख लेना। अब इससे कितना चेंज आएगा राउंड थ्री के अंदर उसके ऊपर अपन मूव करते हैं। ये कट ऑफ है 2024 राउंड थ्री के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़े आराम से समझना, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो राउंड टू, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट रैंक नहीं नोट करूंगा, मैं राउंड टू नोट करूंगा, क्योंकि आप सभी के पास ये डाटा अवेलेबल है, अगर जिसके पास नहीं था तो मैंने दिखा दिया है तो आप नोट करके रख सकते हो। इसमें 559 मार्क्स अपन रैंक ऐड करेंगे, क्योंकि 2023 में यही डिफरेंस था राउंड टू और राउंड थ्री के बीच में, इतने रैंक का डिफरेंस था, तो ये मैंने प्लस कर दिया इसके अंदर, प्लस 500 और कर दिया है। वो इसलिए किया है 500 क्योंकि हर 100 सीट ऐड होने पे 400 से 500 रैंक का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर तो 150 सीटें इंक्रीज हुई हैं डायरेक्टली। अब वैकेंट सीट होके आएंगी वो अलग बात है, बट सीटें इंक्रीज होने की वजह से 500 रैंक में लेकर चलाऊँ कितना डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। कारण जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी टॉप रैंकर्स और टॉप स्कोरर हैं वो अपने स्टेट के अंदर राउंड फर्स्ट में या फिर राउंड टू में कॉलेज ले चुके हैं, या फिर ऑल इंडिया कोटे में राउंड फर्स्ट और राउंड टू में कॉलेज ले चुके हैं, तो अब आपका कंपटीशन उन टॉप रैंकर्स के साथ में नहीं है जिन्होंने की एडमिशन ले लिया है टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर। इस बात से अगर एग्री करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 500 से ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ सकता है। अब तो ये कट ऑफ कैसे हो सकती है, अगर जिसको एग्जैक्टली जानना है कि मैं कहां तक सेफ हूं, तो ये वाली रैंक आप नोट करके रख सकते हो, 24,054 ऑल इंडिया रैंक तक आप 100% सेफ हो, राउंड थ्री के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर ये 500 से ज्यादा रैंक का डिफरेंस हो सकता है, कारण मैंने समझा दिया है, तो ये रैंक जो है 24,500 तक पहुंच सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको आप जरूर एडजस्ट कर लेना। आती है इतनी बात समझ में, उम्मीद करता हूं कि जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में राउंड टू प्लस 328, तो 328 मार्क्स का डिफरेंस था वो आपने देखा, प्लस 500 रैंक मैंने ऐड कर दी है नए एमबीबीएस कॉलेजेस की वजह से। अब ये डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, तो अगर एग्जैक्ट किसी को पता रखना है तो 24,186 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज 100% राउंड थ्री के अंदर मिल जाएगा। अगर इसके अलावा जो कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने की वजह से टॉप स्कोरर के साथ में आपका कंपटीशन नहीं है, तो ये रैंक 24,600 या फिर 700 तक जा सकती है, 100-200 रैंक ऊपर नीचे होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस साल कुछ भी सर्टन नहीं हो रहा है, बट फिर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सर्टन ही होती है, तो कोशिश करूंगा कि ये भी सर्टन ही हो जो मैं बता रहा हूँ। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि गलत होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हो मेरी मेहनत को तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बात करते हैं डब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो राउंड टू की कट ऑफ जो कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, प्लस 729। अब यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 229 रैंक का डिफरेंस था राउंड फर्स्ट और टू के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था 2023 में, उसको ऐड किया है, प्लस 500 रैंक मैंने 24 में जो सीटें इंक्रीज हुई हैं उनकी ऐड कर दी हैं, तो यहाँ पर मैंने ये वाला मेथड को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है, एक साथ दोनों को नोट कर दिया है प्लस करके, तो 729 रैंक का डिफरेंस आ सकता है, तो आपकी रैंक जो पहुंच सकती है वो 27,449 तक हो सकती है एग्जैक्ट, अगर आप चाहो तो यहाँ तक आपको तो कॉलेज मिल ही जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि टॉप रैंकर्स के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, तो ये 27,600 से लेकर 27,700 तक भी पहुंच सकती है, हो सकता है 28,000 तक भी जाए, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स के साथ में आपका अगर
कॉम्पिटिशन नहीं है तो रैंक ऑब्वियस सी बात है कि काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा, ये बात आपको समझ में आती होगी। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, राउंड टू प्लस 10,328, अब जो डिफरेंस था 6,000 का वो आपने चेक कर ही लिया होगा, यानी कि 10,328 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस था। अब ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है जो कि 6,328 रैंक का डिफरेंस था राउंड टू और राउंड थ्री के बीच में, प्लस मैंने इसमें 4,000 और ऐड कर दिया। बट याद रखना एक बात कि 135,431 से लेकर 140,000 तक एडमिशन मिल सकता है, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कुछ भी फिक्स बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह रैंक बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। बट यहाँ तक आपकी रैंक है 135,000 से ज़्यादा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा राउंड थ्री के अंदर। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड टू की कट ऑफ प्लस 19,382 ये मैंने ऐड कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि 14,382 रैंक का राउंड टू और राउंड थ्री के बीच में 2023 में डिफरेंस आया था, प्लस 5,000 रैंक का डिफरेंस मैं और लेकर चला हूँ। हालांकि ये डिफरेंस ज़्यादा होगा मैं जानता हूँ इस बात को, तो आपकी रैंक अगर 1,75,000 से ज़्यादा है और 1,80,000 के बीच में है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, 1,85,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एससी और एसटी कैटेगरी में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपको थंबनेल में देखने को मिला कि इतनी रैंक अगर आपकी है तो 100% आपको कॉलेज मिल जाएगी, तो मुझे तो 100% वाले कट ऑफ बतानी है, ऊपर चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको तो एडमिशन मिल ही जाएगा अगर यहां तक आपकी स्कोर और रैंक है। तो ये है 2023 से मैंने कंपेयर करके बताया 2024 राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर तो इतनी रैंक आपकी है, इससे थोड़ी सी ऊपर भी है, तो भी आप सेफ समझ सकते हो। रीजन मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी मेहनत थी इस वीडियो को बनाने के लिए वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे थैंक यू इस चीज़ से दे सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको कंटिन्यूसली वीडियो में दिखे होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कहीं पे अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो वो मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा अगले राउंड में। और बाकी आपको कहां पर एडमिशन मिल चुका है वो जरूर हमें बताइएगा। बाकी किसी भी तरीके की अपडेट्स होगी तो मैं चैनल के ऊपर अपडेट करूंगा। आप जितना ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करोगे उतनी ही बेटर क्वालिटी और कॉन्टेंट के साथ में यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बाकी स्टेट्स के लिए भी वीडियो टाइम टू टाइम पर मैं डालता रहूँगा ताकि आपके लिए थोड़ी सी ईजी कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।